गुलबर्गा शहर की अजीम शख्सियत जनाब अलहाज जैनुद्दीन साहब का उम्रा के सफ़र में मक्का से मदीना रवानगी के दौरान 250 किलोमीटर की दूरी पर बस एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है। ये खबर पूरे गुलबर्गा शहर के लिए बेहद अफसोसनाक है। इंतकाल की खबर सुन अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद की सदारत में रहमतुल्लिल आलमीन सीरत कमेटी की जानिब से ताज़ियाती इजलास मुनक्किद कर मरहूम जैनुद्दीन साहब के हक में दुआए मगफिरत की गई है। मरहूम जैनुद्दीन साहब की खिदमत शहर के हर बुजुर्ग नौजवान और बच्चे जानते हैं। ये एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने सफर आखिरत के नाम से गुलबर्गा शहर में हजारों अफराद के आखिरी सफर को अंजाम दिया है। इसके अलावा जैनुद्दीन साहब के अनगिनत खिदमत हैं जिसको शहर गुलबर्गा कभी भूल नहीं सकता। जनाब नासिर हुसैन उस्ताद की सदारत में रहमतुल्लिल आलमीन सीरत कमेटी की जानिब से ताज़ियाती इजलास मुनक्किद कर दुआए मगफिरत की गई है। इस मौके पर नासिर हुसैन उस्ताद के साथ मौलाना विखार अशरफी अजीजुल्ला सरमस्त नैयत खुर्शीद शेख महबूब और दीगर रहमतुल्लिल आलमीन सीरत कमेटी के जिम्मेदार मौजूद थे। तमाम ने मरहूम जैनुद्दीन साहब के इंतकाल पर अफसोस जाहिर किया है। हम तो उम्रे की अदायगी के बाद मदीनतुल मुनव्वरा की जियारत के लिए रवानगी अमल में आई और मक्कतुल मुकर्रमा से 250 किलोमीटर बाद करीब मदीना 120 किलोमीटर था सानिहा पेश आया। सड़क हादसा अमल में आया जिसमें 26 अफराद गुलबर्गा से उम्रे की अदायगी के लिए तशरीफ ले गए थे और उसमें से बशमूल जैनुद्दीन साहब 7 अफराद जाम शहादत नोश फरमाया क्योंकि यह हादसा शहादत सीरी में आता है, शहीद ही का मर्तबा दिया जाता है। तो हम जनाब कायद मोहतरम ज़ीशान मिल्लत नासिर हुसैन साहब उस्ताद की सदारत में ताज़ियत करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अन्तल वहाब रब्बी बसीर व अरहम अन्ता ख़ैरुर राहिमीन। ए अल्लाह फ़ज़ल फरमा व रहम फरमा करम फरमा। ए अल्लाह अज़्ज़ व जल मौलाए अज़ीज़ जितने मोतमरीन उम्रा की अदायगी के बाद मदीनतुर रसूल पहुँचे हैं मौला हादसा पेश आया मौला उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमा। ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल जो जख्मी होकर अस्पताल में है मौला उन्हें सेहत कामिला अजला अता फरमा। उन्हें मौला अपने वतन वापस लौटा मौला जब आखिरी वक्त आए तो मदीना ला ले जा आखिर में मदीने में मौत अता फरमा। मौला सरजमीन मदीना की जगह अता फरमा। मेरे परवरदिगार जैनुद्दीन साहब के खिदमात को कबूल फरमा उनकी काफियों को कबूल फरमा। ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल मौलाए क़दीर उनके दानिस्ता अनजाने छोटे बड़े गुनाह हो गए हों मौला तू अपनी करीमी से माफ़ फरमा। ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल पाक परवरदिगार आलम या रहमान रहीम रहम फरमा करम फरमा। ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। जितने मरहूमीन उनके साथ शहीद हुए हैं मौला उन सब के दर्जात को बुलंदी अता फरमा। उनके अफराद खानदान उनके लवाहिकीन उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। मेरे परवरदिगार ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारी जान व माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। इलाहा आलमीन या परवरदिगार आज़म मेरे मौला ये माह शाबान है मौला तेरे हबीब का फरमान है शाबान मेरा महीना है मौला तेरे हबीब के गुलाम रहमतुल्लिल आलमीन सीरत कमेटी में बैठकर ताज़ियती जलसे में मौला दुआ कर रहे हैं मौला हम सब की उम्रों में बरकत अता फरमा हमारे रिश्त में बरकत अता फरमा हमारे आल औलाद को मौला महफूज फरमा तेरे हबीब से मोहब्बत अता फरमा। मेरे परवरदिगार ए अल्लाह अरबाब इख्तदार को सही समझ अता फरमा। ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल मेरे परवरदिगार ऐवान असम्बली में
मौला सही खिदमत अदा करने वाले को मुंतखब फरमा। मेरे परवरदिगार हमारे शहर को बलैयात से, आफात से, हादसात से मौला महफूज फरमा। पाक परवरदिगार आलम हमारी दुआओं को शख्स कबूलियत अदा फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्नल फातिहा।